पीआईए की एयर होस्टेस कोरोना वायरस में मुब्तला। एयर होस्टेस को पहले एक्सपो सेंटर फिर म्यू हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। टोरंटो की परवाज लेकर आने वाले दो पायलट्स में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। टेस्ट मुस्बत आने पर दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया। म्यू हॉस्पिटल में एक मरीजा जान की बाजी हार गई। लाहौर में जाम भर अफराद की तादाद 6 हो चुकी है। शहर में मुसद्दका केसेस की तादाद 291 तक पहुंच गई। 28 कैदी और 16 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल। पंजाब में कोरोना वायरस के कंफर्म मरीजों की तादाद 1816 तक पहुंच गई। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की पीसीआर लैब अहमद। सरदार उस्मान बुज़दार ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनकर लैब का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला ने कोरोना टेस्ट के मुख्तलिफ मराहिल का मुशाहिदा किया। सरदार उस्मान बुज़दार ने लैब में काम करने वाले अमले से तरीक़ेकार भी दरियाफ्त किया। लैब में 6 से 7 घंटे में कोरोना टेस्ट का रिजल्ट ऑनलाइन भेज दिया जाता है। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला ने सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और लैब स्टाफ की खिदमात को सराहा। साबिक हुकूमत की बनाई हेपेटाइटिस लैब बुज़दार सरकार के काम आ गई। कोरोना की तशखीस के लिए लैब को इस्तेमाल किया जाएगा। 2017 में 20 करोड़ से ज्यादा लागत से जदीद पीसीआर लैब कायम हुई। हेपेटाइटिस बी सी की तशखीस के लिए लैब का इफ्तिताह शहबाज शरीफ ने किया था। अब हेपेटाइटिस लैब की पीसीआर मशीन को भी कोरोना टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। महकमे खुराक में इस्लाहात न करने के इल्जाम लगाए गए। बेबुनियाद इल्जाम पर मनसब से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। समीउल्लाह चौधरी के इस्तीफे का मतलब लिखते हैं, खुद को बेकसूर साबित करने तक ओहदे के लिए अहल नहीं समझता। हर फोरम पर खुद को एहतसाब के लिए पेश करने को तैयार हूँ। वजीर आला ने समीउल्लाह चौधरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। यंग डॉक्टर्स की क्वेटा में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद की शदीद मजम्मत। क्वेटा में डॉक्टर्स हिफाजती लिबास के बगैर काम करने पर मजबूर हैं। यंग डॉक्टर्स का शिकवा, कहते हैं नाकिस इंतजामात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। क्वेटा पुलिस ने पुरअमन डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। शाम 8 बजे तक डॉक्टर्स को रिहा न किया गया तो पंजाब में काम बंद कर देंगे। कल से काली पट्टियां पहनकर ड्यूटियां देंगे। 2 हफ्ते बाद भी अस्पतालों में इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज इलाज न मिलने पर दर बदर। आज से हुकूमत का मामूल का इलाज बहाल करने का ऐलान भी सच साबित न हो सका। 2 हफ्तों से जायद इलाज मुआवजा बंद रहने से लाखों मरीज शदीद मुतासर। स्पेशलाइज हेल्थ की नाकिस प्लानिंग से इलाज मुआवजे की फराहमी तातुल का शिकार हुई। मौजूदा दौरे हुकूमत में अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा। गुज़श्ता 2 सालों में 6 बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कीमतों में इजाफे के बायस अद्वियात शहरियों की पहुंच से दूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया था। ब्रैप की जानिब से अब तक अद्वियात की कीमतों में कमी ना की जा सकी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की इंतजामिया की नाअहली। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत को 2 हफ्ते गुजर गए। खरीदारी के टेंडर्स ना होने पर वेयर हाउस में दालों का स्टॉक खत्म हो चुका है। मुलाजमीन का मौके। वालिदैन के लिए अच्छी खबर। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल की फी में 20% कमी का ऐलान। प्राइवेट स्कूल 2 माह की इकट्ठी फीस नहीं लेंगे। प्राइवेट स्कूल 20% रियायत देने के पाबंद भी होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ऐलान। सुई नॉर्दर्न गैस का सारिफीन के बिल अकसाफ में जारी करने का ऐलान। घरेलू सारिफीन के मार्च के महीने के बिल अकसाफ में जारी करने का आगाज। मार्च के बिल बैंक में 3 अकसाफ में जमा करवाए जा सकते हैं। 3 अकसाफ में बिल वसूली के लिए बैंकों को हिदायत जारी कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद लॉकडाउन की पाबंदी तोड़ते हुए घरों से बाहर निकलना शुरू हो गई। जबकि फैमिलीज नहर किनारे सैर व तफरीह में मसरूफ। पुलिस की 14वें रोज भी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। अब तक 1,10,939 शहरियों को नाकों पर रोककर सफर की वजह पूछी गई। 1,02,573 शहरियों को वार्निंग देकर वापस घर भेजा गया। जबकि सिविल लाइन डिवीजन में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में पाक आर्मी रेंजर्स समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया।
शहर की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग में मामला मामूल पर, शहरियों का बड़ी तादाद में मंडी का रुख, अशियाए जरूरिया की खरीदारी की, कोरोना के पेश नजर मार्केट कमेटी की जानिब से किए गए इंतजामात नाकाम, दो में से एक दाखिली रास्ते पर लगाई गई डिस इंफेक्टिंग टनल भी बेसूद। बादामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी में मामूल के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां जारी रही। इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट में करंटीना सेंटर कायम। करंटीना सेंटर में ईरान से आने वाले 67 जायरीन को रखा गया है। जायरीन में 52 मर्द, 10 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। तमाम जायरीन के कोरोना टेस्ट मुल्तान में किए गए थे। किसी भी कैदी को जेल लाने से पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करा दे दिया गया। लाहौर पुलिस जेल लाने से पहले सरकारी अस्पतालों से कोरोना टेस्ट करवाए। जिन कैदियों की रिपोर्ट मनफी आएगी सिर्फ उन्हें जेल में रखा जाएगा। आईजी जेल खाना जात की हिदायत पर कैंप जेल से सीसीपीओ को मरासला जारी कर दिया गया। शाही कले के अदबी इलाके को बहाल करने का मंसूबा। मार्केट को खत्म करने का तनासा हल हो गया। वार्ड सिटी अथॉरिटी और ताजरों के माबैन मामला तय पा गए। ताजरों का काला शाह टाकू को जीटी रोड पर जगह दी जाएगी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने जगह देने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है। फ्रंट पर दुकानें और अकब में ट्रक अड्डा बनाया जाएगा। बादामी बाग से ट्रक अड्डा भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। रेलवे ने आइंदा माली साल के लिए 1,27,34,00,000 का ऑपरेशनल बजट मांग लिया। मुलाजमी अफवाहों के लिए 28,90,00,000 मांग लिए गए। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 29,54,51,00,000, जबकि ग्रांट सब्सिडी और कर्जों की अदायगी के लिए 1,69,20,00,000 रुपए मख्सूस करने की तजवीज दे दी। जोहर टाउन में खोखर चौक के करीब गाड़ी में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाया। आतिशबाजी के वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रायबंड से एक और बरहना खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। लाश खेतों से मिली। खातून को ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया, पुलिस का शुबा है। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सर्विस स्टेशन के लिए रिसाइकल वाटर प्लान नाकिस क्वालिटी का देने का मामला। मोहम्मद उस्मान बुजदार इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी। दरख्वास्त गुजार मौजम हुसैन को प्लांट की कीमत 60,000 अदा की जाए, 1,000 रुपए जुर्माना भी दरख्वास्त गुजार को अदा किया जाए। सारी अदालत का हुक्म। कोरोना के पेश नजर चौधरी परवेज इलाही का अहम इकदाम। 11 रुकनी ऑल पार्टी मशावरती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 22 सूरत हाल असरात को कम अज कम करने के लिए इकदाम का जायजा लेगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही इस कमेटी के कन्वीनियर होंगे। गवर्नर पंजाब ने टेली राशन हेल्पलाइन कायम करने का ऐलान कर दिया। 9/11 की तरह कोरोना ने भी दुनिया बदल दी। टेली मेडिसिन सिस्टम नहायत कामयाब तजुर्बा रहा। पंजाब और वफाकी हुकूमत मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सर्वर का UHS में खिताब, बोले रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज को तमाम वसायल फराहम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी में एंटीसेप्टिक टनल का इफ्तिताह कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम बोले हमारे टेली मेडिसिन सेंटर की दुनिया मिसालें दे रही है। प्रोटेक्टिव किट्स पाकिस्तान कोरोना पर रिसर्च शुरू की जा रही है। टेस्ट का रिजल्ट आने तक मरीज को अलग रखना चाहिए। मुस्बत केस वाले कोरोना के मरीजों को इकट्ठा रखा जा सकता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की CD42 के प्रोग्राम CD@10 में गुफ्तगू। बोले कोरोना की अलामत पर हर शख्स का टेस्ट करवाना जरूरी है। सरकारी तौर पर कोरोना के मरीज का टेस्ट फ्री किया जा रहा है। कोरोना की अलामत पर फौरी डॉक्टर से रुजू किया जाए। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का लेडी एचिसन अस्पताल का दौरा। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, रजिस्ट्रार KEMU प्रोफेसर असगर नकी हमराह थे। MS न्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील ने भी लेडी एचिसन अस्पताल का दौरा किया। वाइस चांसलर ने कोरोना के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। कोरोना वायरस ने सुपर पावर होने का मयार बदल दिया। सुपर पावर और सुपर प्लानर सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू, कहा
एटम बॉम्ब मिसाइल सब बेसूद हैं। आलमी ताकतें खरबों डॉलर सेहत आमा पर खर्च करें। एटम बॉम्ब मिसाइल कोरोना के खात्मे में मदद नहीं कर सकते। क़यादत की हिदायत के मुताबिक किट्स तकसीम कर रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स को सलाम पेश करते हैं। ख्वाजा सलमान रफी की गुफ्तगू, बोले पहले फेज में 10,000 किट तकसीम कर दी गई। कोरोना से मुकाबले के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत की तैयारी नहीं थी। ख्वाजा इमरान नजीर बोले स्क्रीनिंग का दायरा कार बढ़ाए बगैर दुरुस्त रिकॉर्ड सामने नहीं आएगा। कौम में तारीफ का जज्बा भी बेदार करना चाहिए। तफ्तान वाले मामले पर गलती की गई। फलाही इदारों की राशन तकसीम करने की दरख्वास्त को 24 घंटे में निपटाना होगा। राशन की तकसीम पर पाबंदी के बजाय रेगुलेट किया जाए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात के अहकाम कहते हैं कोरोना के बायस राशन डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को रेगुलेट किया गया है। पीडीएमए ने 24,000 फैमिलीज को राशन फराहम किया। राशन तकसीम करने के लिए हजूम इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना एंटी रॉयट और डॉल्फिन स्क्वाड की घर घर जाकर शहरियों को आगाही। एसपी डॉल्फिन की तरफ से बच्चों में तहाइफ और कैंटीन तकसीम की गयी। एसपी डॉल्फिन ने ख्वातीन और बच्चों को भी घरों में रहने की ताकीद की। लाहौर पुलिस के एहसन इकदाम पर अहले इलाका का जज्बा दी भी था। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिबाक के लिए बल्दियाती एक्ट 2019 में बाकायदा तरमीम कर दी गई। बल्दियाती एक्ट 2019 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया। ऑर्डिनेंस को कानूनी तहफ्फुज देने के लिए असेंबली के आइंदा इजलास में मंजूरी ली जाएगी। कोरोना के बायस बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिबा का फैसला काबीना ने किया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी की वजाहत। शहरियों को महफूज रखने के लिए पहली मेस्कोइन डिस इंफेक्शन स्प्रे व्हीकल तैयार कर ली गई। गाड़ी सरफेस और हवा में 28 फुट तक स्प्रे कर सकेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक 0.5% क्लोरीनेटेड स्प्रे होगा। एक जानिब कोरोना वायरस तो दूसरी जानिब मुआशी बदहाली का खतरा। ताजर बरादरी में मुआशी इस्तराब बढ़ने लगा। मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजरों और सुदूर की लाहौर चैम्बर आमद, सदर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात। हुकूमत से मखसूस औकात में मार्केट्स बाजार खोलने का मुतालबा कर दिया। इरफान इकबाल शेख बोले सूबाई और विफाकी हुकूमत बात करेंगे। कौम को कोरोना के साथ साथ भूख और अफलास से भी बचाना होगा। शब्बर जैदी की एजाजी तौर पर चेयरमैन एफबीआर तकरारी खत्म। ग्रेड 22 के अफसर नौशीन जावेद अमजद चेयरपर्सन एफबीआर तैनात। विफाकी काबीना ने नौशीन जावेद अमजद की चेयरपर्सन एफबीआर तैनाती की मंजूरी दे दी। शब्बर जैदी पहले ही गैर मुयना मुदत के लिए रुखसत पर थे। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड टेबल टेनिस डे मनाया जा रहा है। कौमी और बैनुल अकवामी टेबल टेनिस खिलाड़ी घरों में टेबल टेनिस खेलकर आज का दिन मना रहे हैं। नन्हे टेबल टेनिस खिलाड़ियों का कोरोना का मुकाबला करने का अज़्म। कौमी चैंपियन शबनम बिलाल ने ड्राइंग रूम में अपने बेटे शोहर के साथ टेबल टेनिस खेली।